नमस्ते, मैं हूँ आराधना और आज आपको मैकेनिकल सेपरेशन का ही पार्ट टू जिसमें कि सेडिमेंटेशन और साइक्लो सेपरेटर आता है वो बताने वाली हूँ। ये कंटेंट आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में मिलेंगे, जैसे सेडिमेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, डेब्रिस सेटलिंग प्रोसेस, डेब्रिस क्लासिफायर, सॉर्टिंग क्लासिफायर, थिकनेस, डेप्थ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगल सेटलिंग, साइक्लो सेपरेटर, हाइड्रोसाइक्लोन, सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर, ट्यूबलर सेंट्रीफ्यूज एंड डिस्क सेंट्रीफ्यूज। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो अगर मान लीजिए वो लिक्विड सस्पेंशन है, मतलब लिक्विड और उसमें पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स को हमें लिक्विड से अलग करना है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे? लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो क्यों हो जाते हैं वो? तो इससे सेटल हो जाते हैं क्योंकि उन पर कुछ फोर्सेज लगते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर मूव करता है, मतलब राउंड राउंड मूव करता है, तो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। जैसे कि तूफान आता है, एयर राउंड राउंड मूव करती है सर्कुलर पाथ में, सारे पार्टिकल्स आपकी आंखों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर जो है पार्टिकल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराती है तो वो आपकी आंखों पे आ जाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से भी जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं और सेटल हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन के दो तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि आपको लिक्विड सस्पेंशन जैसे पार्टिकल्स को रिमूव करना है, लिक्विड को अलग करना है, और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि पार्टिकल्स को आप जान के लिक्विड में सस्पेंड कराएं, जिससे कि हमारा कोई मिक्सचर है पार्टिकल्स का तो वो अपने अपने साइज और डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग हो जाए। मतलब एक मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स से पार्टिकल्स के साइज और डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट करने के लिए हम लिक्विड पार्टिकल्स को खुद से लिक्विड में सस्पेंड कराते हैं, लिक्विड सस्पेंशन बनाते हैं और फिर उनको अलग अलग करते हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक तो पार्टिकल्स रिमूव करना और दूसरा पार्टिकल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन दो तरीके का होता है, ग्रेविटी सेटलिंग प्रोसेस एंड सेंट्रीफ्यूगल सेटलिंग प्रोसेस। ग्रेविटी सेटलिंग प्रोसेस, अब जैसे इसका नाम ही है ग्रेविटी सेटलिंग, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेटल डाउन होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड में आप कुछ भी डालते हैं, कोई पार्टिकल या कोई भी चीज़, तो अगर वो भारी होती है तो नीचे डूब जाती है और अगर हल्की होती है तो ऊपर तैरती रहती है। तो वैसे ही जो पार्टिकल जो भी क्रूड है जिसमें वो उनका सस्पेंशन है उससे भारी होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, तो उनको अगर हम बहुत सारा टाइम दें सेटल होने के लिए और फूड वेलोसिटी ज़्यादा ना हो, वेलोसिटी कम हो, तो वो सेटल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है ग्रेविटी सेटलिंग प्रोसेस। अब दो तरीके के आपके सेपरेटर होते हैं, एक होता है क्लैरिफायर और एक होता है क्लासीफायर, जिसमें सारे पार्टिकल लिक्विड से अलग हो जाते हैं वो क्लैरिफायर कहलाता है, लेकिन जिसमें जो सॉलिड मिक्सचर है वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वो क्लासीफायर कहलाता है। दोनों में सेम प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन का अप्लाई होता है, चाहे हम क्लैरिफायर हो चाहे हम क्लासीफायर हो, बस दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। क्लैरिफायर में सारे पार्टिकल्स लिक्विड से अलग होते हैं और क्लासीफायर में क्लासिफिकेशन हो जाता है। ग्रेविटी क्लासीफायर, तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि ग्रेविटी के बेसिस पे जब पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन होता है इसमें, इसलिए इसे ग्रेविटी क्लासीफायर कहते हैं। तो इसका फिगर और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल दे रखा है यहीं पे। जो भी स्पीड है हमारी, यानी कि जो भी सस्पेंशन है वो नंबर वन यानी ऊपर से फीड कराते हैं, फीड कर्टेन पे, जो कि नंबर थ्री से डिनोट कर रहा है, फीड कर्टेन पे फीड को ड्रॉप कराते हैं, और जो नंबर टू है वहाँ से एयर इनलेट होती है, और दोनों को हम फोर्स कराते हैं फीड कर्टेन तक आता है, मतलब एक वन से फीड आती है, टू से एयर आती है, और दोनों को हम क्रॉस कराते हैं फीड कर्टेन पे, यानी नंबर थ्री पे, और एयर जो है वो नंबर फोर से चली जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो एयर है वो फीड कर्टेन से फाइनल पार्टिकल्स, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको खींच लेती है अपनी तरफ, और नंबर फोर से बाहर चली जाती है आउटर से, और जो बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं वो नंबर सिक्स से नीचे निकल जाते हैं। ग्रेविटेशनल क्लासीफायर
आर डिजाइन फॉर फोर्सर सेपरेशन इन द रेंज ऑफ 8 मैच साइज टू 20 मैच साइज। ये जो क्लासीफायर्स हैं ये फोर्सर सेपरेशन के लिए होते हैं जो कि साइज रेंज है 8 मैच साइज टू 20 मैच साइज। फॉर क्लोज सेपरेशन टू फाइनर पार्टिकल्स, अगर हमें ज़्यादा फोर्सर सेपरेशन नहीं चाहिए, फाइनर सेपरेशन चाहिए फाइन पार्टिकल्स सेपरेशन के, तो उसके लिए और भी टाइप के क्लासिफिकेशन। सॉर्टिंग क्लासिफायर, तो उसमें क्या था, ग्रेविटी के बेसिस पे अलग हो रहे थे पार्टिकल, सेपरेट हो रहे थे, क्लासिफिकेशन हो रहा था उनका। पर सॉर्टिंग क्लासिफायर वो डिवाइसेस हैं जो कि पार्टिकल्स को उनकी डिफरेंट डेंसिटी के बेस पे सेपरेट करते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं सॉर्टिंग क्लासिफायर, एक है सिंक एंड फ्लोट मेथड और दूसरा है डिफरेंशियल सेटिंग। सिंक एंड फ्लोट मेथड, तो सिंक का मतलब होता है डूब जाना और फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तो इस नाम से ही हम इसका कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मेथड होगा ये। मतलब दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक डूब रहे होंगे और एक तैर रहे होंगे। तो इसमें हम एक लिक्विड मीडियम यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट होती है हैवी मटीरियल और लाइट मटीरियल के बीच में। मतलब पार्टिकल्स हैं दो तरीके के, उनका मिक्सचर है, दो तरीके के पार्टिकल है मिक्सचर में, एक हैवी मटीरियल है और दूसरा लाइट मटीरियल है, मतलब एक की डेंसिटी ज़्यादा है और एक की कम है। तो हमें उसके बीच की डेंसिटी का मीडियम चाहिए, तो उस मीडियम में जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो डूब जाएंगे और जो लाइटर वंस हैं वो तैरते रहेंगे, तो हमें परफेक्ट सेपरेशन मिल जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, साइज से कोई लेना देना नहीं है। इस मेथड को हम हैवी फ्लूइड सेपरेशन भी बोलते हैं, और ये भी फोर्स पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। इनका साइज लगभग 10 मैच से ज़्यादा होता है, 10 मैच से ज़्यादा होता है। इसकी प्रॉब्लम ये है मेथड का, या प्रॉब्लम कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी, कि प्रॉब्लम ये आ जाते हैं कि हमें परफेक्ट ग्रेविटी, प्रॉपर ग्रेविटी वाला मटीरियल मिलना, मतलब प्रॉपर डेंसिटी वाला मटीरियल मिलना मुश्किल हो जाता है, कि ऐसा मटीरियल हो जिसमें एक मटीरियल सिंक हो जाए और एक फ्लोट हो जाए, तो ऐसा मीडियम ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है। डिफरेंशियल सेटलिंग मेथड, तो जिस सब्सटेंसेस में डेंसिटी में डिफरेंस होता है उनमें जो भी टर्मिनल वेलोसिटी में डिफरेंस उनके बीच में हो सकता है, वो डिफरेंस डिफरेंशियल सेटलिंग मेथड यूटिलाइज करते हैं। बात आती है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के थ्रू गिर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एग्जैक्ट फोर्स जो कि एयर लगाती है ऊपर की डायरेक्शन में, क्यों लगाती है क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट की शेप को देने की कोशिश करती है, और ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, उसे एग्जैक्ट फोर्स कहते हैं। और दूसरा फोर्स होता है वेट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नीचे बिना पड़ता है। तो जब ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में होते हैं, उस समय जो भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। तो उस समय जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ लूप। अब इस मेथड में जो हम मीडियम यूज करते हैं उसकी डेंसिटी दो तरीके की सब्सटेंस से कम होती है, यानी कि हैवी लिक्विड, हैवी पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स। इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज की एक रेंज है, मतलब बहुत सारे साइज के पार्टिकल्स हैं, हर साइज के पार्टिकल्स हैं, तो जो लार्जर और लाइट पार्टिकल्स हैं वो भी उसी रेट पे सेटल होते हैं जिस रेट पे स्मॉलर और हैवी वंस सेटल होते हैं, तो एक मिक्स डेंसिटी का फ्रैक्शन हमें मिलता है। अब कंसिडर करते हैं कि दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, ए मटीरियल और बी मटीरियल, जो कि एक मीडियम की डेंसिटी रो है उसके लिए सेटल हो रहे हैं। मान लेते हैं कि मटीरियल ए जो है वो हैवियर है, हो सकता है गैलेना हो क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.5 है ज़्यादा है, और दूसरा मटीरियल बी जो कि हो सकता है क्वार्ट्ज़ हो, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। अब किसी पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ रीजन में, स्टोक्स लॉ रीजन में जो भी किसी पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो रेंज करती है फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1, मतलब जिन भी पार्टिकल्स के लिए रेनॉल्ड्स नंबर 1 से कम होता है उनके लिए स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये रिलेशन होता है स्टोक्स लॉ के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का। तो पार्टिकल ए के लिए लिखी हुई है इक्वेशन, पार्टिकल बी के लिए लिखी है। अब
इक्वल सेटलिंग रीजन हमें देखना है, इक्वल सेटलिंग यानी कि यूटीए जो है वो यूटीबी के बराबर होगा। तो जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा डीपीए अपॉन डीपीबी, मतलब दोनों का हमें रेशियो मिलेगा। देखिए दोनों का हमें रिलेशन मिल रहा है यहाँ से। और अगर भाई हम न्यूटन लॉ की बात करें तो न्यूटन लॉ के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज होती है 1000 से लेके 2 लाख। तो इसके बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर तो न्यूटन लॉ लगता है, तो वहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डीपीए अपॉन डीपीबी यानी कि डायमीटर ऑफ पार्टिकल ए और डायमीटर ऑफ पार्टिकल बी का ये रेशियो निकल जाएगा। ये ग्राफ शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन सेंट्रल वेलोसिटी एंड पार्टिकल साइज। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्टिकल का साइज है वो लाई कर रहा है बिटवीन डीपीवन टू डीपीफोर। तो अगर हम फिगर से देखें, ये बात हमें पता है कि ए क्योंकि हैवी लिक्विड है तो वो जल्दी सेटल करेगा और बी जो है वो देर में करेगा क्योंकि वो लाइटर वन है। तो फ्रॉम साइज पार्टिकल्स ऑफ साइज डीपीवन एंड डीपीटू ऑफ मटीरियल बी विल सेटल स्लोली देन पार्टिकल्स ऑफ साइज डीपीवन एंड डीपीटू ऑफ मटीरियल ए क्योंकि बी हल्का है और ए भारी है। उसी तरीके से द पार्टिकल ऑफ मटीरियल ए ऑफ साइज डीपी3 एंड डीपी4 विल सेटल फास्ट देन पार्टिकल ऑफ साइज डीपी3 एंड डीपी4 ऑफ मटीरियल बी बिकॉज ए इज हैवी एंड बी इज लाइटर। बट जैसे कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था द लाइटर एंड लार्जर वॉल्यूम पार्टिकल विल सेटल एट द सेम रेट एज द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर एंड हैवी। तो द पार्टिकल ऑफ मटीरियल बी हैविंग साइज बिटवीन डीपी2 एंड डीपी4 विल सेटल एट द सेम रेट एज द पार्टिकल्स ऑफ मटीरियल ए हैविंग डायमीटर डीपी1 एंड डीपी3। तो यहाँ से हमें मिक्स डेंसिटी का फ्रैक्शन मिलेगा और यही इस मेथड का डिसएडवांटेज है। बात ये आती है क्या इस मेथड से कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सेपरेशन पाने के लिए हमें क्या करना है, जो पार्टिकल का साइज है वो हमें क्लोज साइजिंग करनी है। मतलब जैसे कि हम फिगर से देखें फ्रॉम साइज डीपी1 टू डीपी2 बहुत कम डिफरेंस है पार्टिकल साइज में, या फ्रॉम साइज डीपी3 एंड डीपी4 बहुत कम चेंज है पार्टिकल साइज में, बट डीपी1 टू डीपी3 बहुत डिफरेंस है और डीपी2 टू डीपी4 बहुत डिफरेंस। तो अगर पार्टिकल जो है सिर्फ डीपी1 और डीपी2 साइज के होते हैं या सिर्फ डीपी3 टू डीपी4 साइज के होते हैं या फिर सिर्फ डीपी1 टू डीपी2 साइज के होते तब कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। लिखा है इफ द साइज रेंज ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम डीपी3 टू डीपी4 और फ्रॉम डीपी1 टू डीपी2 देन कंप्लीट सेपरेशन इज पॉसिबल। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द मिक्स सेक्शन कैन बी एलिमिनेटेड बाय क्लोजर साइजिंग ऑफ द थिकनर। तो थिकनर के लिए सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे आ रही है हिंडर सेटलिंग। हिंडर सेटलिंग क्या होती है? तो जब भी किसी लिक्विड में जिसमें की पार्टिकल का बैंक है उसमें जो सेडिमेंट है उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब कि जो पार्टिकल है वो बढ़ गई है उनकी कंसेंट्रेशन, तो क्या होगा उनका सेटलिंग रेट कम हो जाएगा, उनकी सेटलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है उसको हम एक टर्म से दिखाते हैं, शो करते हैं, इसे कहते हैं हिंडर सेटलिंग। तो ग्रेविटी सेपरेशन अंडर हिंडर सेटलिंग कंडीशन इज ऑफन यूज टू कन्वर्ट अ डाइल्यूट स्लरी ऑफ फाइन पार्टिकल्स इनटू अ क्लेरिफाइड लिक्विड एंड अ कंसेंट्रेटेड सस्पेंशन। तो हिंडर सेटलिंग के अंदर जो ग्रेविटी सेपरेशन होता है उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है विद पार्टिकल तो उससे लिक्विड अलग हो जाता है और एक कंसेंट्रेटेड सस्पेंशन अलग हो जाता है, जिसमें पार्टिकल है और थोड़ा सा लिक्विड है। लिक्विड क्लियर लिक्विड क्लैरिफाई लिक्विड अलग हो जाता है और एक कंसेंट्रेटेड सस्पेंशन अलग हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये लार्ज ओपन टैंक में होता है जिसे हम थिकनर या क्लैरिफायर कहते हैं। अब ये जो हमें कंसेंट्रेटेड सस्पेंशन मिला उसको हमें फिल्टर करना है डाय प्रोडक्ट मतलब डाय पार्टिकल अलग करने के लिए। पर अब आप ये कहेंगे कि हम डायरेक्ट फिल्ट्रेशन भी तो कर सकते थे, पर अगर हम डायरेक्ट फिल्ट्रेशन करते तो ज़्यादा हमें कॉस्ट पड़ती रेदर देन कि अब हम फिल्ट्रेशन करेंगे आफ्टर थिकनर आफ्टर प्रोसेसिंग द लिक्विड टू द थिकनर। द क्लेरिफाइड लिक्विड इज फ्री ऑफ नियरली फ्री ऑफ हंड्रेड पार्टिकल्स। और जो हमें क्लेरिफाइड लिक्विड मिला वो या तो उसमें पार्टिकल कैप्चर हो गए ही नहीं या फिर ना के बराबर होंगे।
बैक सेडिमेंटेशन. अब बैक सेडिमेंटेशन के लिए एक आती है टर्म फ्लोकुलेशन. अब अगर किसी भी सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी डायमीटर बहुत कम है तो वो बहुत कम रेट पे सेटल डाउन होंगे, बहुत कम रेट होगा उनका सेटल डाउन होगा. तो कई कई क्या होता है इनिफाइन सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल जो है मिलके एग्लोमिरेट क्या एग्लोमिरेट बना लेते हैं. एग्लोमिरेट मतलब पार्टिकल्स का क्लस्टर, यानी कि मिलके जत्था बना लेते हैं पार्टिकल्स का. तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका साइज भी ज़्यादा हो जाता है, उनका थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो कुछ ठीक ठाक रेट पे सेटल डाउन होते हैं. तो कभी कभी क्या होता है एग्लोमिरेशन को प्रमोट करने के लिए हम कुछ फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स मिलाते हैं जिससे कि जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं बिटवीन द चार्ज मॉलिक्यूल वो कम हो जाते हैं, और कम हो जाते हैं तो वो इनसे भी अटैक करते हैं, और अटैक करते हैं तो एग्लोमिरेशन चार्ज मॉलिक्यूल होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. अगर किसी पे चार्ज दो सारे पार्टिकल सेम तरीके के होते हैं तो मान लीजिए सब पे सेम चार्ज हो, सब पे पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर मान लीजिए सब पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाएंगे. तो जब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. लेकिन जब हम कुछ ऐसे फ्लोकुलेटिंग एजेंट अगर हम ऐड करते हैं जिससे ये रिपल्सिव फोर्सेस रिमूव हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके एग्लोमरेशन बनाते हैं. बैक सेडिमेंटेशन, बैक सेडिमेंटेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. डिफरेंट बोन्स बनते हैं जो कि फिगर में दे रखते हैं. फिगर ए में अगर हम देखें तो सबसे पहले पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी लिक्विड में, और यहाँ पे इनिशियल डेप्थ ऑफ सस्पेंशन z0 है. आफ्टर अ शॉर्ट टाइम टू जोन्स आर फॉर्म. एक तो आपका जोन है ए द जोन ऑफ क्लियर लिक्विड, और एक जोन है आपका जोन ऑफ सेटल सॉलिड जो कि जोन बी. उसके बाद एक जोन सी है जो बी के ऊपर है जिसमें कि सॉलिड कॉन्टेंट वेरी करता रहता है फॉर्म बी. उसके बाद एक जोन है बी, यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है थ्रू आउट, मतलब सेटिंग जो सेम रहता है थ्रू आउट. बाउंड्री बिटवीन जोन बी एंड सी में नॉट बी डिस्टिंक्ट. उनके बीच में जो बाउंड्री है वो आपको क्लियरली डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं दिखेगी, बट द बाउंड्री बिटवीन बी एंड सी इज रिलेटेड, वो अलग अलग है कि एक क्लियर लिक्विड की अलग जोन है और सेम सॉलिड कंसंट्रेशन की अलग जोन है जोन बी. उसके बाद हम थोड़ा टाइम और देते हैं तो जो क्लियर जोन जो है क्लियर लिक्विड जोन ए उसकी और जो स्कैटर सॉलिड का जोन है दोनों की जो लेंथ है वो दोनों का जो एरिया है वो इंक्रीज होता रहता है, और बी जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सी का नियरली सेम अमाउंट रहता है. उसके भी थोड़े टाइम के बाद बी जो है वो डिसअपियर हो जाता है और सारा लिक्विड जो है वो सी और डी में रह जाता है. अब क्या होता है तो उसके बाद जो सी जोन है उसमें कंप्रेशन लगता है, कंप्रेशन फोर्स लगता है डी की तरह. धीरे धीरे जो सारा सॉलिड है वो डी जोन में आ जाता है, और जो भी फ्लोक बन रहा है एग्लोमरेट जब तक वो पूरी तरह से पार्टिकल्स में नहीं टूट जाते हैं, यानी कि जो वेट है सॉलिड का वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोक से बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस चलता है. और जब तक जब सारे सॉलिड जोन डी में आ जाते हैं उसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाता है. When the weight of the solid is balanced by the compressive strength of flow, the settling process stops. Rate of sedimentation, तो इस ग्राफ में rate of sedimentation को शो किया है. जो ग्राफ है वो है between clear liquid interface height and settling time, जो कि आर्क में है. तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि rate of sedimentation constant रहता है लगभग initial stages पे, जैसा कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कर्व से दिखाया है. लेकिन जैसे जैसे आपका जो बी जोन है वो डिसअपियर हो जाता है वैसे वो डिक्रीज करता है, और जब तक डिक्रीज करता रहता है जब तक कि फाइनल हाइट अल्टीमेट हाइट हमें नहीं मिल जाती, यानी कि सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाते.
जो इनिशियल स्टेज है वो डिपेंड करती है सिर्फ फीड कंसेंट्रेशन पे, लेकिन आफ्टर स्टेजेस जो हैं, जो लेट स्टेजेस हैं, उनमें एक और टर्म स्टेक में आ जाती है जो कि है जेड नॉट। जेड नॉट यानी कि आपका डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन, इनिशियल डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन जेड नॉट भी स्टेक में आ जाती है, क्योंकि उस समय जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल सेटलिंग, तो अभी तक हमने ग्रेविटी सेटलिंग प्रोसेस में क्या देखा था कि कोई भी पार्टिकल जो फ्लूइड में था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो सेटल डाउन होता था, पर वो उसकी सैचुरेट कम होते थे। तो हमने अब क्या किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिप्लेस किया बाय मच स्ट्रॉन्गर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर के आउटवर्ड एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसका कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे तूफान आता है, तूफान में हवा राउंड 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 मूव करती है, सारे पार्टिकल सब पूरा सब किनारे किनारे हो जाता है, सब आपकी आँखों में आ जाता है, सब पूरा जो भी पूरा होता है सब कोने कोने में चला जाता है। तो क्योंकि वो आउटवर्ड मतलब कि हवा जो मूव कर रही है, कोई भी हवा मूव कर रही है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो सारे पार्टिकल्स को सारे कोने को बिखेर देती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। साइक्लोन सेपरेटर, तो साइक्लोन सेपरेटर आर द सेपरेटर यूज फॉर रिमूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम गैस ट्यूब। ये गैस ट्यूब जनरली एयर होता है, इंडस्ट्रीज में एयर को में से पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जनरली सभी इंडस्ट्रीज में साइक्लोन सेपरेटर का यूज होता है। स्टेबल होते हैं, इनका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। फिगर में दे रखा है, ये एक वर्टिकल सिलेंडर है विद हॉरिजॉन्टल बॉटम। टेंजेंशियल एंट्री है, टेंजेंशियल फीड एंट्री है, यहाँ से डस्ट और गैस जो मिक्सचर है वो एंटर करता है यहाँ से। उसके बाद जो एयर है वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, पार्टिकल्स भी सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, बॉल से टकरा के नीचे गिर के फोन में कलेक्ट हो जाते हैं और नीचे के आउटलेट से जो डस्ट के लिए आउटलेट है वहाँ से निकल जाते हैं, और जो एयर है वो ऊपर से चली जाती है। The cyclone is basically a settling device in which a strong centrifugal force acting radially is used in case of relatively weak gravitational force acting vertically. The gravitational force जो कि vertically work करता था नीचे की direction में, उसकी जगह पे एक बहुत एक strong centrifugal force जो कि radial direction में round round work करता है वो यहाँ पे work करता है cyclone separator में। हाइड्रोसाइक्लोन ये भी सेम रिस्कल भी वर्क करते हैं एज साइक्लोन सेपरेटर, पर साइक्लोन सेपरेटर में गैस को सॉलिड पार्टिकल से अलग करते हैं, पर इसमें सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करते हैं फ्रॉम लिक्विड, बस यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड्स हैं और वहाँ पे गैस और सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोसाइक्लोन की फिगर दी हुई है, जो फीड है वो टेंजेंशियल एंट्री होती है, ऊपर लेफ्ट में दी हुई है। जो लिक्विड है वो स्पायरल पाथ में मूव करता है, जो स्पायरल पाथ में जो मूवमेंट है राउंड राउंड दिखाए हुए उसे वॉर्टेक्स बोलते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल से टकराते हैं और कोन के कोन में स्लाइड करते हुए नीचे अंदर फ्लो के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और जो लिक्विड है वो इनर वॉर्टेक्स से जिसे कि हम वॉर्टेक्स फाइंडर बोलते हैं ऊपर दिखाया हुआ है, वहाँ से होके मोस्ट ऑफ द लिक्विड गोज अपवर्ड फ्रॉम द होल ऑफ फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर, मिथिकल लिक्विड ना सेपरेटेड इंडस्ट्रियली इन सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर, तो वही बात लिखी है कि सेपरेशन फोर्स मच लार्जर देन दैट ऑफ ग्रेविटी एंड इट एक्ट इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ स्टेट ऑफ डाउनवर्ड मोशन ऑफ सरफेस। जो मेन टाइप है सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर के वो है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज और डिस्क सेंट्रीफ्यूज। ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज तो यहाँ फिगर में ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज को दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक बाउल है जिसकी डायमीटर लगभग है 100 to 150 mm, रोटेशन कर रहा है, रोटेटिंग बाउल है, बीच में रोटेशन कर रहा है एट द रेट ऑफ अबाउट 14,000 रोटेशन पर मिनट। तो फीड नीचे से स्टेशनरी नोजल, नीचे को ओपनिंग है जिसमें एक स्टेशनरी नोजल लगी हुई है जहाँ से फीड एंटर कर रही है। फीड एंटर करने के बाद वो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, दो लेयर्स बना रही है, लिक्विड एक हैवी लिक्विड और दूसरा है लाइट लिक्विड। लाइट लिक्विड होते ऊपर एक बेयर के थ्रू, बेयर क्या होता है, जब भी
लिक्विड कोई भी फ्लो कर रहा होता है तो जो बैरियर होता है जहाँ से उसका फ्लो रुक जाता है वो बेयर कहलाता है। तो लाइट लिक्विड ऊपर एक अलग बेयर से होके एक अलग कवर में कलेक्ट हो जाता है और हैवी लिक्विड एक अलग बेयर ऊपर एक अलग या अलग बेयर से होके एक अलग कवर में कलेक्ट हो जाता है। द पोजिशन ऑफ लिक्विड लिक्विड इंटरफेस इज मेंटेन बाय हाइड्रोलिक बैलेंस। एक हाइड्रोलिक बैलेंस होती है जिससे कि जो इंटरफेस है मतलब जो बीच में न्यूट्रल जोन है वो मेंटेन होता रहता है। द पोजिशन ऑफ लिक्विड लिक्विड इंटरफेस इज मेंटेन बाय हाइड्रोलिक बैलेंस। एक हाइड्रोलिक बैलेंस होती है जिससे कि जो इंटरफेस है मतलब जो बीच में न्यूट्रल जोन है वो मेंटेन होता रहता है। तो ये फिगर है डिस्क सेंट्रीफ्यूज की, इसमें और ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज में एक डिफरेंस तो यही है कि इसमें ट्यूब के थ्रू लेयर हैवी लिक्विड और लाइट लिक्विड मूव करते हैं और इसमें डिस्क थ्रू करते हैं। तो ये एक शॉर्ट और वाइड बाउल है जिसकी डायमीटर लगभग होती है 200 से 500 mm। फिर ऊपर से एक स्टेशनरी पाइप के थ्रू अंदर आती है। इसमें भी दो कंसेंट्रिक लेयर बन जाती है, हैवी लिक्विड और लाइट लिक्विड, जो कि एडजस्ट होकर मूव करती रहती हैं और अलग अलग डिस्चार्ज कवर में कलेक्ट हो जाती हैं। बाउल के अंदर कुछ रोटेटिंग डिस्क भी होती हैं जो कि एक्चुअली मेटल शीट होती हैं, मेटल शीट कोन होती हैं और एक के ऊपर एक रस्सी होती हैं। इनके अंदर होल्स होते हैं जिस होल से लिक्विड पास करते हैं। तो फिर ऊपर से आती हुई नीचे से होती हुई बाउल में होके चैनल में होके फिर ऊपर डिस्क में होके मूव करती है। जो हैवी लिक्विड है वो आउटवर्ड फ्लो करता है और जो लाइटर लिक्विड है उसे डिस्प्लेस करता है सेंटर पे, यानी कि जो लाइट लिक्विड है वो सेंटर पे अपर डायरेक्शन में मूव करता है और जो हैवी लिक्विड है वो आउटसाइड में फ्लो करता है। जो हैवी लिक्विड है वो डिस्क को स्ट्राइक करता है और डिस्क के नीचे होते हुए बाउल के पेरिफेरी में फ्लो करता है और जो लाइट लिक्विड है वो सेंटर में फ्लो कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी इनकाउंटर नहीं करते। थोड़ा सा रिस्क ये है कि जो किसी भी ड्रॉप को जो ट्रेवल जरूर किसी भी ड्रॉप को जो डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करनी चाहिए टू एस्केप फ्रॉम द अदर फेस, मतलब लाइट लिक्विड और हैवी लिक्विड के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है। जैसे कि ट्यूबलर सेंट्रीफ्यूज में अलग अलग ट्यूब थे तो उन दोनों के मिक्स मैच होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं था। यहाँ भी नहीं है, हालांकि जो हैवी लिक्विड है वो पेरिफेरी में मूव कर रहा है और जो लाइटर लिक्विड है वो सेंटर पे मूव कर रहा है, पर फिर भी बहुत चांसेस हैं कि जो ड्रॉप को जो डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करनी चाहिए टू एस्केप फ्रॉम द अदर फेस वो बहुत कम होती है और ट्यूबलर सेंट्रीफ्यूज में वो डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। These centrifuges are particularly valuable when the purpose of centrifuging is not complete separation but the concentration of one foot free. This centrifuge का valuable बहुत ज़्यादा है जब centrifuging का purpose complete separation नहीं है बल्कि concentration है। जैसे कि हम दूध की जब मलाई अलग करते हैं तो हम मलाई को अलग कर लेते हैं, दूध को अलग कर लेते हैं, पर उसमें complete separation नहीं होता, मलाई कुछ और नहीं है, मलाई दूध का ही पार्ट है और वो concentrated पार्ट है। तो ऐसे केसेस में डिस्क सेंट्रीफ्यूजेस ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। गुड लक।